हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों देखिए, आज की जो न्यूज़ निकल कर सामने आई है वो है हाई कोर्ट से रिलेटेड। आपको बता दूं कि जो एनएच डिलेड का मामला है अब अंतिम पड़ाव पर आ चुका है। पहले भी अंतिम पड़ाव पर आया था, अब भी ऐसे ही आ रहा है। आपको बता दूं कि दोस्तों जो इसकी डेट लगी है वो 13 जून लगी है। इसका मतलब मंडे में इसकी सुनवाई होगी। और आपको पता है कि इसकी जो सुनवाई है वो लास्ट मानी जा रही है, लेकिन अगर 25 मई का आप ने सुना होगा, 25 मई में जो केस लगा था उसमें क्या हुआ था कि पिटिशनर को और जो दूसरे केस लगे थे सभी को राहत दी गई थी। और उसमें बोला गया था कि एनसीटी का जो डायरेक्टर है या कोई भी है वहाँ से उनको 3 हफ्ते का टाइम दिया जाता है कि वो आकर के हस्तक्षेप करे, यानी कि एफिडेविट काउंटर जमा करे कि एनएच डिलेड पूरी तरह वैलिड है जैसे पहले दिया था, अब की बार भी ऐसे ही। लेकिन वो तो पहले भी दे चुके हैं तो अब की बार भी यही होगा। तो ये तो सीधी सी बात है कि एनएच डिलेड जो है 13 जून में ना होकर के 23 में भी हो सकता है, 13 में भी हो सकता है इसी कारणवश। तो ये है कि एनएच डिलेड की जो स्थिति है इसमें बहुत अच्छी है, क्योंकि तीन तीन इसके फेवर में जो है ऑर्डर जा चुके हैं अलग अलग जो पिटिशनर थे उनकी वजह से। और उससे पहले जो है आपको पता है कि 28 अप्रैल में आया, फिर 25 मई में आया, फिर 7 में आया, इसी तरह अलग अलग इसमें ऑर्डर आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये 13 जून की जो डेट रखी गई थी वो 23 जून और उसके बाद जो है बिल्कुल फाइनल हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जो है कि जैसे सरकार जो है रिकॉल कर रही है, पहले तो उसने जो रिव्यू डाला था उसको क्या कर दिया था, कोर्ट ने खारिज कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी सरकार बार बार रिव्यू डाल रही है, यानी कि रिकॉल किया है कि किसी तरह एनएच डिलेड को बाहर कर दे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एनएच डिलेड का सरकार विरोध क्यों कर रही है, उसके पीछे कारण हम नहीं जान सकते। लेकिन ये कोर्स जो है आपको पता है कि केंद्र सरकार के द्वारा कराया गया था, मोदी सरकार के द्वारा कराया गया है, लेकिन फिर भी राज्य सरकार जो बीजेपी की है, जो बीजेपी के नाम पर मतलब मोदी के नाम पर वोट मांगती है, वो इसका खुला विरोध कर रही है। लेकिन इसके लिए क्या है, इसके लिए ही जैसे देहरादून में लोग आंदोलन कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं, कानून के दायरे में कर रहे हैं, ऐसे ही आप लोग भी कानून के दायरे में कर सकते हो। जो धरना प्रदर्शन है अगर कानून के नियम के तहत करोगे तो जो है आपको कोई भी मना नहीं करेगा। ऐसे निदेशालय में धरना चल रहा है, अलग से गांधी पार्क में चल रहा है, तो उसमें जो है आप अगर अपनी जनसंख्या दिखाओगे सरकार को कि हम इतने हैं, जब वो इसमें बौखला सकती है, वरना तो एनएच डिलेड को वो हटाने के लिए सारे दम लगा दिए उसने चारों तरफ से। लेकिन आई होप, आशा करते हैं कि या तो 23 जून में या 13 जून में इसका फाइनल हो जाना चाहिए। और एक चीज़ और बता दूं कि जो केस लगा है वो लगा है 49वां नंबर का मीन्स ये है कि ये लंच के बाद इसका नंबर आ सकता है या 12 बजे से पहले इसका नंबर नहीं आएगा, लंच के बाद ही आएगा, यानी कि 3 बजे करीब आएगा। तो 13 जून का आप वेट करिएगा, देखते हैं क्या होता है, लेकिन उससे पहले आपको भी कुछ करना पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।